आरंभ हो खंडगिरी कुंभ मेला एथिपाई अनेक दूरदूरांतर साधुसंत समागम घटुची और हजार हजार संख्यक भक्त माने आसुच्चार निज निज जो पीठस्थल रही सेठी अखंड दीप जाड़ा सहित केमी विश्व शांति रही देखिपे कौली भाव व्यवस्था कर समस्ते निज निज स्थान होम यज्ञ करने सहित किभली भाव विश्व शांति हो पारे प्रचेषा कर क्षेत्र में रुद्राक्ष बाबा नागा बाबा और स्टैंडिंग बाबा और अन्यान्य बाबा मैंने साधुसंत मैंने समागम घटी सब वर्ष पर यह वर्ष दीर्घ 34 वर्ष धरी स्टैंडिंग बाबा आई बेले 22 वर्ष धरी नागा बाबा आसक बाबा मैंने रही खंडगिरी साधु महाकुंभ मेला उपलक्षे समस्त को स्वागत करने सहित समस्त को अति सुंदर भाव में बाबा मैंने दर्शन दौरान बाबा मैंने शांति किपर रे जीवन रहा कौन जो मैंने जहाँ पचार से माने उत्तर रखुंट कि भावे जो लोक मैंने धार्मिक आड़ को आग अग्रसर है आलोचना कर लोकों सहित वार्तालाप करेक क्षेत्र देखुए जो मैंने निजे बसी अनेक प्रकार बाबा ये अच्छा जो मानक आम देखुल बर्तमान अर्क क्षेत्र में कोणार्क चंद्रभागे साधुसंत मैंने बुड़ पक यज्ञस्थल को फेरी एठारे प्रभु अनंत केशरी देवों यात्रा अनुष्ठित हो जाए जो लोकर भिड़ी एवं जड़े बाबा अच्छे कि खंडगिरी साधु महाकुंभ मेल रे बाबा राजेश्वर दास जे कि हस्तरेखा जातक विचार और काठी विचार आदि करेक क्षेत्र देखिए आगक अच्छा एटी जिते बड़े आउ गोटे देखिथे परशुराम खालासा जो महेन्द्रगिरी जो बाबा रही थे से खंडगिरी साधु महाकुंभ रही बाबा आर्तारायण गोटे पीठस्थल रही गोटे स्थान रही जो बाबा ये रहा रोचंती बाबा एठी लोकंकर चिकित्सा करुछंती आपण देखिपारथिबे खंडगिरी कुंभ मेला रे ये गोटे नियारा दृश्य जोठी समस्त प्रकार बाबा आसुछंती राज्यरु राज्य बाहर एवं अनेक जिल्लारु आसतिले मध्य भुवनेश्वर किछि चिकित्सक मध्य जो माने बाबा को बाबांको परी काम करंती समान मध्य आसुछंती समस्त शामिल होइछंती ए गोटे नियारा परिवेश भितर देखिपारथु कोभळि भाबे धार्मिक परिवेश भितर खंडगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ पूरा मंत्रध्वनि रे कंपी उठुछि जम्मू माता वैष्णो देवी कटरा खंडगिरी का अभी जैसे आज से 15 साल पहले आया था जब मैं जी हाँ जूना श्री पंचदश नाम जूना खाड़े से नागा बाबा है। हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रहता है किसी से ना घर से ना गृहस्थ से ना माता से ना पिता से ना भाई से ना बहन से हमको किसी को मतलब नहीं है हमें एक ही से मतलब है और ईश्वर के चरणों से मतलब है उनकी भक्ति से मतलब है। ये भस्मी लगी हुई है हाँ स्नान करते हैं हम लोग यहाँ पे बाबा लोग वैसे कम है अब धीरे धीरे बाबा लोगों को मालूम हो रहा है यहाँ के भगत जगत भी जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे न तो यहाँ के पहले भगत जगत भी नहीं जागृत थे उनको हिंदी भी नहीं आती थी सही ढंग से तो हम लोग भी नहीं समझते थे वो भी नहीं समझते अब क्या है यहाँ के बच्चे लोग हिंदी बोलने लगे तो हम लोग भी हिंदी पकड़ने लगे इनको सनातन धर्म की बात समझाई तो उनकी समझ में आई है बच्चा भी पढ़ लिख गया है तो हिंदी बोलने लगा है तो उस सनातन धर्म को पहचान के आगे आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ भी नागा बाबा आ रहा है। अब कुछ समय के बाद एक खंडगिरी भारत देश में रोशन होगी विदेश में इसका नाम होगा कि हाँ कोई खंडगिरी उड़ीसा के अंदर नागा बाबाओं की है। हम ऐसी धामों पे जाते हैं जैसे हमारे जगन्नाथपुरी है केदारनाथ है अमरनाथ है मणि महेश है बैनाथ धाम है अर्जुन मल्लिका है रामेश्वरम है ऐसे जो बड़े बड़े स्थान है हम लोग यहाँ पे जो हमारे गढ़ है। माहौल ठीक है कैसा है भक्ति जिस तरह पहले आते थे इस तरह आज भी आ रहे जिस दिन से आपका मेला चालू होता है आखिरी तक हम यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं तपस्या कर रहे हैं थोड़ा हल्का भोजन लिया जाता है जूस ज्यादा लिया जाता है। चार कुंभ हो गए चौथी साल है ये ऐसा अनुभव रहा है कि तो सरकारी सहायता कैसे मिल रहा है हमें सहायता ऐसे से कोई मतलब नहीं रहता हम तपस्या करने के लिए आए हमें व्यवस्था व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है सब पर है आप पर नहीं है उनकी कृपा ना होती भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बबुल को सह प्रियकांत सह प्रिय अनुरोध।